लास्ट पे राजनीति नहीं होती। मरने के बाद या उनके हत्या करने के बाद कितना दिन हुआ, उनकी नींद आज खुली है क्या? ये दुमका की पीड़िता के दर्द पर सियासी मरहम लगाने के बाद का रिएक्शन है। दरअसल क्षेत्र के वर्तमान विधायक बसंत सोरेन नाबालिग आदिवासी लड़की के पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। बसंत सोरेन के साथ सिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन सहित जेएमएम का पूरा काफिला जरुआडी मोहल्ले में पीड़ित परिवार के घर पहुंचा, हाल चाल जाना। विधायक ने रानीश्वर प्रखंड के आदिवासी पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो भी मौजूद थे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप होता रहता है और भाजपा तो बहाना ढूंढती है, क्योंकि उनको करने लायक और लोगों के बीच पहुंचने लायक कोई मुद्दे है नहीं। तो एक इसको अदरवाइज में ना लिया जाए, किसी परिवार का एक सदस्य के साथ ये घटना घटती है और उसका राजनीतिकरण ये करने का प्रयास करते हैं, तो ये कहूँगा ऐसे जो नेतागण आए थे वो बहुत ही निचले दर्जे के नेतागण हैं। लास्ट पे राजनीति नहीं होती। इस परिवार ने एक अपना सदस्य खोया, कितने दुखद की बात है। वहाँ संतावना देने जाना चाहिए था, ना कि उसकी राजनीतिकरण करनी चाहिए। उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि चौपर से आए अपना राजनीतिकरण किए और चौपर में बैठ के उड़ लिए। रहते ना 10 दिन, दस क्रम है ना भाई, रहते 10 दिन उस परिवार के साथ क्यों नहीं थे? विधायक बसंत सोरेन ने दुमका की घटना पर दिल्ली से आए बीजेपी नेताओं के दौरे पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी लाश पर राजनीति कर रही है, सरकार और सरकारी तंत्र अपना काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बीजेपी घड़ियाली आंसू बहा रही है, बीजेपी इसका प्रमाण दे तो इसकी जांच कराई जाएगी। एक भी हमको ऐसा कोई आदमी बताइए जो बांग्लादेश से यहाँ आके बसा हो। जो लोग प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनसे कहा जाए कि वो एक कोई भी एक ऐसा दे हमको, तो हम जांच करते हैं उसकी। ऐसी कोई भी प्रूफ है उनके पास, बोलना अलग चीज़ है, आप प्रमाण देंगे ना भाई? किसी चीज को रखते हैं तो उसे प्रमाण होता है, प्रमाण दीजिए ना। आप हम आके बोलते हैं अमेरिका से आके आदमी बस गया, तो बस गया क्या? प्रमाण दीजिएगा ना, ये अमेरिका से आया तो ऐसा प्रमाण दीजिए हमको। स्कूलों का जो उर्दू स्कूल में कन्वर्ट होने की कहानी, उसका क्या आधार है? उसका कोई आधार नहीं है, जो जैसे है वैसी है, कहीं कोई ये नहीं है। कई सारे स्कूल में उर्दू स्कूल लिखा गया है, जो पहले से जैसा चला आ रहा वैसा ही है, कहीं चेंज नहीं किया गया है। अगर वहाँ उर्दू लिखा हुआ था तो उर्दू लिखा हुआ है, उसमें कहीं फेरबदल नहीं की गई। ये बात सदन में भी आई थी, वहाँ पे जवाब दे चुके हैं मंत्री। वही क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने बसंत सोरेन पर दिखावे के आंसू बहाने का आरोप लगाया। आज कितना दिन हुआ पीड़िता के मरने के बाद या उनके हत्या करने के बाद, कितना दिन हुआ, उनकी नींद आज खुली है क्या? उनकी नींद आज खुली है क्या? जब सारा दुनिया सारा काम कर लिया तो वो अभी मगरमच्छ का आंसू बहाने क्या आए हैं? दिखावे के लिए काहे के लिए आए हैं? इसीलिए अब आने से कुछ नहीं होने वाला है। विधायक जी, आपने महिलाओं के विषय में आपके मन में जो सोच है अपने अपने वाणी के माध्यम से महिलाओं को सुना दिया है और दिखा दिया है। दुमका में हुई दरिंदगी की घटना से झारखंड समेत पूरा देश मरमाहत है। इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति भी जारी है। पीड़ित के दर्द पर नेता राजनेता सियासी मलहम लगा रहे, लेकिन कोई दवा इस परिवार के दर्द को कम नहीं कर सकती। कुछ राहत दे सकती है तो इसके गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा, ताकि वो ऐसे हैवानों में खौफ पैदा कर सके, और इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। आशीष परनवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, दुमका।